नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। अवधेश प्रकाश सिंह विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आज हुआ संपन्न। समारोह में पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने छात्रों को डिग्रियां और मेडल वितरित किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कार्यक्रम में रहे मौजूद। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। समारोह में पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने छात्रों को डिग्रियां और मेडल वितरित किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में 2 लोगों को मानद उपाधि प्रदान की, वाइस एडमिरल दिनेश जी त्रिपाठी और झांसी की अनुराधा शर्मा को मानद उपाधि दी गई। दीक्षांत समारोह में 219 मेडल और डिग्रियां वितरित की गईं, जिसमें 149 डिग्रियां और 70 मेडल हैं। मंत्रोच्चार व कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंच में पहुंचते ही राष्ट्रगान हुआ व उसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ ही अतिथियों का स्वागत किया गया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सभी छात्रों को बधाई व भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। किसी शिक्षा मंत्री को किसी विश्वविद्यालय के दीक्षांत में और क्या चाहिए, जो अपने आप में सब प्रकार के सभी गुणों से सभी प्रकार के आवश्यकताओं की परिपूर्णता करता है। हमको मालूम है कि शिक्षा के साथ दीक्षा भी चाहिए और दीक्षा में हमारे यहाँ लंबी संत परंपरा है और परमानंद जी महाराज ने जो बोला है वो अद्भुत बोला है। हम सब उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये किताबी ज्ञान जो हमारी वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो चल रहा था, महाराज जी आपने बहुत उत्तम काम किया। अब एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का कोट किया हम सब समझ सकते हैं, जिन्होंने 1835 की लाड मेकाले की शिक्षा नीति का आमूलचूल परिवर्तन करते हुए देश की जड़ों से जुड़ने के लिए हमको प्रेरित किया है। वर्तमान की शिक्षा नीति हमको इसी तरफ ले जाती है। मैंने जो बात कही है कि हमारी नई शिक्षा नीति के ऊपर भी किताब का विमोचन किया है, उसी में आदिवासी अंचल के चित्रांकन करने वाली रूपांकर प्रतिकरण प्रतिमा का भी तो आपने यहाँ विमोचन करवाया है। इसी के साथ साथ हमारे सभी गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों का सम्मान करने का काम हुआ है। स्नातक के हर वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय काय के लिए होता है, केवल परीक्षा कराने के लिए नहीं होता। परीक्षा के उपरांत व्यक्ति का अपना भाव जागृत करा करके शिक्षा के साथ दीक्षांत करके हम उसको अपने आगामी जीवन के लिए उज्जवल कामना करने के लिए हर वर्ष दीक्षांत कराए। तो माननीय महामहिम का हम आभार मानते हैं, जिन्होंने हर वर्ष समय दे करके इस क्रम को निरंतर किया। मैं आपको भी बधाई देता हूँ, आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जीवन में कितने भी आगे बढ़ो, तभी भी एक बात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। रिकॉर्डिंग होगा। मैं समझता हूं ये दो बात ध्यान में रखेगी तो जीवन में तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो एवं उज्जवल हो, ऐसे कुलपति ने आपको प्रतिज्ञा दिलवाई। और उस आखिर में उन्होंने समझाया कि ऐसे जिएंगे तो तुम्हारा जीवन एकदम उज्जवल होगा। वो प्रतिज्ञा एक दिन के लिए नहीं है, जब भी कुछ भी काम करना है तो प्रतिज्ञा को ध्यान रखना। मैं समझता हूं कि आप जो ध्यान रखेंगे, कोई भी काम अपने पास आए उसमें समझना मेरे लिए हमारी धर्म नीति है, वो क्या कहती है, उसी तरह हमको काम करना है। तो मैं समझता हूं जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। कभी कभी मैं देखता हूं समाज की अवस्था की बात हुई है, माता पिता ने अपने को कितनी दिक्कतें आई तो भी आपको पढ़ाया। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।